हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बी टॉपर में। सो फ्रेंड, यूपी ट्रिपल एससी की तरफ से राजस्व लेखपाल भर्ती के इंतजार कर रहे छात्रों के लिए आज बहुत बड़ी खुशखबरी निकल के आई है दोस्तों। जी हां, यूपी ट्रिपल एससी ने कुल 7700 पदों की घोषणा की है लेखपाल भर्ती की। दोस्तों पूरी जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूं कि कब से आवेदन शुरू होगा दोस्तों, पीटी की परीक्षा पहले होगी या फिर विज्ञापन पहले आएगा, सारी जानकारी इस वीडियो में मिलने वाली है। वीडियो को कहीं भी स्किप मत करें और वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो पसंद आए, अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। चैनल पर करना है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। साथ साथ दोस्तों, किस दिन जारी होगा विज्ञापन, कौन से महीने में, साथ साथ ट्रिपल सी पर आयोग का एक बहुत अहम फैसला लिया गया है जो छात्र हित में, आप सब इस जानकारी को सुनने के बाद में आप निश्चित तौर पे खुश होंगे और इस वीडियो को लाइक करेंगे। तो आते हैं खबर पर दोस्तों। आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बताना चाहूंगा कि जितने भी छात्र यूपी ट्रिपल एससी के एस्पिरेंट हैं वो पीटी परीक्षा से तो रूबरू हो ही चुके होंगे। पीटी परीक्षा की तैयारी करें दोस्तों, क्योंकि आपका जो आवेदन है पीटी का वो दिसंबर के फर्स्ट वीक में स्टार्ट हो रहा है, मार्च में इसकी परीक्षा होगी। 3 माह का समय दिया जाएगा, तैयारी डट के कीजिए वरना आप बड़ी बड़ी भर्तियों से हाथ धो बैठेंगे अगर पीटी नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए लेखपाल और पीटी दोनों ही भर्ती परीक्षाओं को देखते हुए एक बहुत ही अच्छा कंबाइंड सिलेबस का क्रैश कोर्स तैयार किया गया, जिससे आपका पीटी का भी पढ़ाई होता रहे, कवर होता रहे सिलेबस, साथ साथ लेखपाल भी कॉम्पिटिशन हाई लेवल का होने वाला, इसलिए पीटी का भी पढ़ाई आप लोग करते रहे इस कोर्स से। देखिए, इस कोर्स में आपको बहुत सारे चैप्टर, जितने चैप्टर इंपॉर्टेंट है सभी सब्जेक्ट के, उनके चैप्टर वाइज सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिए गए हैं। फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो प्रीवियस पेपर में पूछे गए हैं, उसके बाद में यहाँ पर वन लाइनर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, उसके साथ साथ हर सब्जेक्ट के 10-10 स्पेशल वीडियो क्लासेस के लिंक भी दिए गए हैं। इतना नहीं, बहुत सारे वन लाइनर क्वेश्चन भी दिए गए हैं जिसमें पीटी लेवल के भी प्रश्न हैं, साथ साथ यूपी लेखपाल का भी प्रश्न है इस कोर्स में। तो आप लोग बेसिक लेवल की तैयारी कर सकते हैं, पीटी का लेवल जान सकते हैं, पीटी की रणनीति बना सकते हैं इस कोर्स से, पीटी में किस तरीके से प्रश्न पूछे जाएंगे ये भी आपको इस कोर्स से पता चलने वाला है। साथ साथ लेखपाल का पूरा सिलेबस कवर किया गया, इसमें सब्जेक्ट कौन कौन से होने वाले, ग्राम समाज, हिंदी, जीके, मैथ और रीजनिंग के सब्जेक्ट यहाँ पर इस कोर्स में दिए गए और सभी के वीडियो क्लासेस दिए गए, 10-10 वीडियो क्लासेस हर सब्जेक्ट के। तो जिनको भी लेना है, मात्र 99 रुपीज में इस क्रैश कोर्स को प्रोवाइड किया जा रहा है। जितने भी छात्र इच्छुक हैं, लिंक इस क्रैश कोर्स को खरीदने का नीचे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहां से इसको खरीद सकते हैं दोस्तों। जो छात्र महंगे महंगे कोचिंग और पेड कोर्सेज नहीं ज्वाइन कर सकते हैं, वो इस कोर्स से बेसिक लेवल की तैयारी आप शुरू कर सकते हैं। तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, जल्दी से खरीदिए और तैयारी शुरू कर दीजिए। आते हैं खबर पर। और आगे बढ़ने से पहले एक और जानकारी, अगर कोई डाउट हो, कुछ कमेंट का रिप्लाई मैं ना कर पा रहा हूँ या आप कोई बात मुझसे पूछना चाहते हैं पर्सनली, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके मुझसे बात कर सकते हैं। आप देख सकते हैं इंस्टाग्राम प्रोफाइल beetop_yt, सर्च कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, या फिर आप लिंक डिस्क्रिप्शन में डायरेक्ट प्रोफाइल का है उस पर क्लिक करके भी मेरी प्रोफाइल पर विजिट कर सकते हैं और मुझे फॉलो करके जो भी आपके डाउट हो मुझे मैसेज करके क्लियर कर सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं आज के न्यूज़पेपर में खबर निकली है पूरी तरीके से दोस्तों। अभी स्पष्ट नहीं था इससे पहले कि लेखपाल में कितने पद हैं पहले कहीं, क्योंकि राजस्व विभाग ने बताए थे 7019 पद हैं। उसके बाद में उन्होंने ये भी मेंशन किया था कि भी बहुत सारे पद यहाँ पर रिक्त हैं, खाली होने वाले हैं, उनका भी ब्यौरा यहाँ पर ऐड किया जाएगा। तो टोटल कभी 8000 कभी 7000, लेकिन यहाँ पर यूपी ट्रिपल एससी आयोग ने टोटल पदों की संख्या बता दी है। लेखपाल के करीब 7700 पदों पर भर्ती शीघ्र यहाँ पर इन्होंने बताया है। देखिए, प्रदेश में राजस्व लेखपाल के लगभग 7700 पद रिक्त पदों की शीघ्र भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी। लेखपाल भर्ती के लिए राजस्व परिषद ने मंडलों से रिक्त पदों का ब्यौरा जुटाकर अध्यक्ष चयन आयोग को भेज दिया है। राजस्व परिषद ने चयन वर्ष 2017-18 के आधार पर लेखपालों के रिक्त 5000 पदों पर भर्ती के लिए उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को अध्यक्ष चयन भेजा था। लेखपाल की भर्ती के लिए अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के लिखित परीक्षा कराने से पहले दो राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से भी इसके बारे में चर्चा किया था, लेकिन यहाँ पर इस बार यूपी ट्रिपल एससी इस भर्ती परीक्षा को कराएगा। और यहां पर दोस्तों इसकी जो योग्यता रहने वाली है वो 12th पास प्लस ट्रिपल सी, लेकिन यहाँ पर दोस्तों ट्रिपल सी को लेकर बहुत सारे छात्र यहाँ पर ये दुविधा में थे कि बहुत सारे छात्रों ने ट्रिपल सी नहीं किया है लेकिन लेखपाल भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, ट्रिपल सी के लिए अप्लाई किया था, फॉर्म वगैरह फिल किया था, लेकिन भर्ती परीक्षा ट्रिपल सी की परीक्षा नहीं हुई या रिजल्ट नहीं आया, बहुत लोगों का सर्टिफिकेट नहीं आया अभी तक। तो यहाँ पर दोस्तों जानकारी ये मिल रही है, लगातार आयोग में मीटिंग चल रही है इसको लेकर। आगे बढ़ते हैं। देखिए, लेखपालों की भर्ती के लिए अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के लिखित परीक्षा कराने से पहले ही राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण यानी
EWS अधिनियम अधिनियम 2020 की को बीती 31 अगस्त को गजट में अधिसूचित कर दिया है। दोस्तों ये नियम भी यहाँ पर EBS वाला भी यहाँ पर लागू होने वाला है, 10% यहाँ पर उनको भी छूट दिया जाएगा। साथ साथ दोस्तों यहाँ पर अब 70% जो है वो आपका जनरल और OBC यानी कि बैकवर्ड कास्ट वाले भी रहेंगे यहाँ पर। ये सारी चीज़ें जो नियम है वो यहाँ पर लागू किया जाएगा और लगातार दोस्तों यहाँ पर आयोग जुटा हुआ है इसमें काम करने में। यहाँ पर देख सकते हैं ब्यौरा जुटा कर अध्याचयन को अंतिम रूप देने के में जुटा है, जिसे शीघ्र ही आयोग को भेजा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों जो पूरी इसकी भर्ती का एक फॉर्मेलिटी होता है वो सारी चीज़ें यहाँ पर अब राजस्व विभाग अपना किस नियम पर भर्ती करवाने वाला है, उनका पाठ्यक्रम क्या रहने वाला है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर भेजी जाएगी। क्योंकि अब लेखपाल भर्ती आप सभी को पता है कि ये मुख्य परीक्षा के तौर पर कराई जाएगी। इससे पहले एक PET की परीक्षा की आयोजित की जाएगी जो कि मार्च में होगा, उसके बाद में ये भर्ती आएगी और इसकी मुख्य परीक्षा ये होगी। और इससे पहले आपको PET परीक्षा देनी होगी। PET परीक्षा का पूरा आपको ब्यौरा मैंने बता रखा है पहले से ही। PET परीक्षा की तैयारी के साथ साथ लेखपाल भर्ती की भी तैयारी करते रहें, और अगर PET क्रैक कर ले गए दोस्तों तो यहाँ पर 50% आपका चांस हो जाएगा लेखपाल भर्ती को भी क्रैक कर लेंगे। इसलिए आप PET में जी जान लगा दीजिए, PET आपको फर्स्ट अटैम्प में क्रैक करना होगा दोस्तों, तभी आप लेखपाल भर्ती में आवेदन कर सकते हैं। और कोई भी जानकारी चाहिए तो दोस्तों यहाँ पर कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अब बात करते हैं CCC को लेकर। दोस्तों यहाँ पर CCC को लेकर आयोग में जानकारी मिल रही है कि जो वेब पोर्टल तैयार कराया जाएगा उसमें CCC को लेकर दोस्तों यहाँ पर एस और नो का ऑप्शन दिया जाएगा ताकि सभी छात्र आवेदन कर सके। लेकिन एट द एंड अगर सिलेक्शन उनका होता है तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम में CCC कंपलसरी रहेगा, अगर CCC नहीं रहेगा तो वो भर्ती से बाहर कर दिए जाएंगे। तो यहाँ पर ये छात्रों को मौका दिया जा रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। अगर आप इस चीज़ से खुश हैं तो आप लोग प्लीज़ एक लाइक कीजिएगा इस वीडियो को, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी छात्र इस अच्छी खबर को मिल सके। और वो जो टेंशन था उनको कि यार CCC मैंने किया है लेकिन अभी रिजल्ट नहीं आया, या सर्टिफिकेट नहीं आया, या मैं आवेदन किया हूँ परीक्षा नहीं हुआ है, तो ये सारी चीज़ों को लेकर आप लोग अगर खुश हैं इस बात से जो आयोग एस और नो का ऑप्शन सिर्फ दे रहा है, तो एस कर देंगे तो वहाँ पर आपका ऑप्शन उसमें सर्टिफिकेट वगैरह कुछ नहीं मांगा जाएगा, नंबर बस आप फिल कर देंगे। और दोस्तों यहाँ पर आपको इसके बाद में आपकी परीक्षा हो ही जाएगी, आप परीक्षा की तैयारी करें और जब एंड में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो आप उसके बाद, तब तक तो आपका बहुत समय रहेगा, CCC का सर्टिफिकेट वगैरह सब कुछ आ जाएगा तब आप वहाँ पर दे सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है, आप लोग टेंशन फ्री हो जाइए। CCC तो कंपलसरी है लेकिन इनडायरेक्टली कंपलसरी है कि पहले आपको आवेदन करने का मौका दिया जाएगा लेकिन बाद में CCC जरूरी होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम में। तो ये बहुत बड़ी यहाँ पर राहत है छात्रों के लिए आयोग की तरफ से। इस पर आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों को ये खबर अच्छी लगी या नहीं, कमेंट करके पूछिएगा। और जो कोर्स भाई रेकमेंड किया बहुत सफिशिएंट होने वाला, 99 बहुत ज़्यादा कीमत नहीं, जल्दी से खरीद लीजिए, लिंक उसका नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है मैंने। तो और भी कोई जानकारी चाहिए तो आप मुझसे वहाँ इंस्टाग्राम पर जाके पूछ सकते हैं, बात कर सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।